डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें जीवन की जैविक क्रियाएं दी हुई हैं, उनके बारे में विस्तृत अध्ययन करने जा रहा है। हालांकि विस्तृत अध्ययन भी नहीं कहेंगे इसको, क्योंकि विस्तृत अध्ययन तो फिर काफी ब्रॉड टर्म हो जाएगा। तो एक सामान्य जो डीएलएड के स्टूडेंट को जानना चाहिए जिन चीजों को, उसके संबंध में हम यहां पर डिस्कस करने जा रहे हैं। पाठ का नाम है जैविक क्रियाएं, वाइटल एक्टिविटीज। और इसमें हम सबसे पहली जो जैविक क्रिया है उसको ले रहे हैं पढ़ाने के लिए, वो है प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण, जैसा कि इस क्रिया के नाम से ही इसकी परिभाषा भी पता चलती है कि जो प्रकाश है और संश्लेषण है, यानी कि प्रकाश की उपस्थिति में कुछ बन रहा है। प्रकाश की उपस्थिति में क्या बनता है, सीधे से कहें, हरे पौधे जब प्रकाश की उपस्थिति में भोजन का संश्लेषण करते हैं तो उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इसी के लिए एक अभिक्रिया दी हुई है, उससे थोड़ा ज्यादा जान सकते हैं हम लोग। उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, 6CO2 प्लस 12H2O इज इक्वल टू C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2। आप देख रहे हैं वायुमंडल से क्या लिया गया है, एटमॉस्फेयर से CO2 ली गई है, सॉइल से क्या लिया गया हुआ है, मिट्टी से क्या लिया गया हुआ है, जल लिया गया हुआ है, और बनाया क्या गया है, यह संश्लेषण क्या हुआ है, बनाने को ही संश्लेषण बोलते हैं, सिंथेसिस। बना है ये ग्लूकोज, ग्लूकोज जो कि हमारा ही भोजन नहीं पौधों का भी भोजन होते हैं, ठीक है। साथ में H2O भी बन रहा है और क्या बन रहा है, ऑक्सीजन बन रही है जो कि पुनः एटमॉस्फेयर में छोड़ दी जाती है। तो ये अगर हम अभिक्रिया देखते हैं तो हमें जो आणविक स्तर पर अभिक्रिया है वही पता चल पा रही है। असल में होता क्या है, यहां पर इसके लिए पर्णहरी जिसको बोलते हैं क्लोरोफिल, क्लोरोफिल और लाइट बहुत इसेंशियल होती है, ठीक है। तो आप देखिए यहां पे चार चीजें हैं, कौन कौन सी, एक तो जो हमारे सबस्ट्रेट है, अभिक्रिया के जो बाएं तरफ लिखे होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे जो हमारे अभिकारक होते हैं, सबस्ट्रेट होते हैं, सबस्ट्रेट। और ये दाहिनी तरफ ये प्रोडक्ट है, तो अभी हम ये जानेंगे कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये जो जल है, ये क्लोरोफिल क्या करता है, ये प्रकाश क्या करता है। तो एक एक करके हम जानेंगे और हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि यह जो रिएक्शन दी गई हुई है, यानी ये जो रिएक्शन दी गई हुई है क्या ये सही है। चलिए देखते हैं,
का इसमें हम काम जान लेते हैं। फर्स्ट है क्लोरोफिल, फर्स्ट है लाइट, लाइट क्या है प्रकाश है, प्रकाश किसके रूप में चलता है एनर्जी के पैकेट्स के रूप में चलता है। तो सिंपली सी ये बात हम कहेंगे कि ये क्या है ऊर्जा है एनर्जी। अब इस एनर्जी का पौधे के हरे भाग कैसे उपयोग करते हैं, तो जहां पर उपयोग करने की बात आएगी वहां पर सीधी सीधी सी बात है कि क्लोरोफिल कैसे इसको उपयोग करता है। क्लोरोफिल क्लोरोफिल क्या करता है, मान लीजिए कि ये कोई क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है और ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल ये इस तरीके से बना हुआ है, तो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल क्या करेगा, जो सोलर एनर्जी है सूर्य की ऊर्जा है उसको क्या करता है रिसीव करता है, और रिसीव करके किसको दे देता है, ये जल को दे देता है H2O। जल क्या होता है टूट जाता है और किसमें बदल जाता है H+ + OH-। अगर इसको देखेंगे तो आप लिखेंगे इसको 2H2O और ये क्या होगा 2H+ + 2OH-। सॉरी ये अभिक्रिया संतुलित नहीं लग रही है, अभी इसको जानेंगे कि कैसे संतुलित होती है। तो आपने जाना कि यहां पे क्लोरोफिल का मुख्य कार्य क्या है, क्लोरोफिल का मुख्य कार्य है सूर्य की ऊर्जा को एंटीना की तरह ग्रहण करना। क्या काम है क्लोरोफिल का, इट एक्ट्स लाइक अ एंटीना टू रिसीव सोलर एनर्जी, और फिर उसका करता क्या है इस सौर ऊर्जा को वह जल के अणुओं को तोड़ने में काम लाता है। ठीक है, तीसरी चीज है अब जो ऑक्सीजन है इसको बैलेंस करके देखते हैं। दरअसल ये जो है केमिकल रिएक्शन वह इतनी सरल लगती है वो है नहीं। यहां पर 12H2O की तरह जो मैं पीछे बता के गया था आपको, जो 12H2O है यानी जो 12 जल के अणु हैं वो एक्चुअली वो होते कितने हैं 24, कितने होते हैं 24, 24H2O इज इक्वल टू 24H+ + 24OH-। नाउ ट्राई टू बैलेंस द इक्वेशन, OH-24 इज इक्वल टू 12 + 6O2 + 24 इलेक्ट्रॉन। नाउ जस्ट ट्राई टू बैलेंस इट, व्हाट इज सपोज टू हैपन, 24H2O शुड बी राइट हेयर, हमको यहां पे 24H2O लिखना चाहिए, नहीं लिखना चाहिए क्योंकि ये हो गया।
नाउ ट्राई टू बैलेंस इट, 12H2O इज इक्वल टू 24H प्लस प्लस 6O2 प्लस 24 इलेक्ट्रॉन, यह बैलेंस इक्वेशन है। तो आपसे अगर ऑप्शन दिया हो आपको कि जो जल के अणु हैं वह कितने लिए जाते हैं एक अणु ग्लूकोज बनाने के लिए, क्वेश्चन को समझिएगा, एक अणु ग्लूकोज बनाने के लिए कितने जल के अणु आवश्यक होते हैं, तो आप हमेशा वहां पे अगर 24 दिया है तो हमेशा आप क्या करेंगे 24 को ही टिक करेंगे, 24 को ही टिक करेंगे। अगर क्वेश्चन आता है कि जो सूर्य की ऊर्जा होती है उसका क्या उपयोग होता है, तो आप कहेंगे कि जल के अणुओं को तोड़ने के काम में आती है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि जो ऑक्सीजन है वो कहां से निकलती है, तो सामने है आपके, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं आती है, ऑक्सीजन कहां से आती है, ये जल के अणुओं के टूटने से वो वातावरण में मुक्त होती है। इसी के आधार पर जो यह प्रकाश संश्लेषण है इसको दो छोटी छोटी दो स्टेप में बांटा गया। पहला है जो फर्स्ट स्टेप है वो है लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन को बोलते हैं प्रकाश क्रिया या प्रकाश अभिक्रिया या हिल रिएक्शन। कंफ्यूज मत होइएगा, इसी को बोलते हैं प्रकाश अभिक्रिया, इसी को बोलते हैं हिल रिएक्शन, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, सिंपली इसमें होता यह है कि जो सूर्य की ऊर्जा है उसको कौन लेता है, आप जानते हैं कौन लेगा, क्लोरोफिल अणु लेगा, और क्लोरोफिल अणु लेकर के किसको देगा, H2O को देगा। H2O क्या बनाएगा, इससे H+ बनाएगा और ये बनाएगा, और प्लस इसमें दो इलेक्ट्रॉन भी निकल जाएंगे बैलेंस होने पर, अभी यहां नहीं दिखाई पड़ेगा। तो हिल रिएक्शन का हमारा प्रोडक्ट क्या होता है, हिल रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होता है वह क्या होता है, एटीपी और NADPH2। मतलब ये जो H+ है ये किसके द्वारा लिए जाएंगे, ये इसके द्वारा ले लिए जाएंगे, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है अपचायक, ठीक है। और ये एटीपी किस लिए बनता है, क्योंकि यहां पर एटीपी अगर नहीं बनेगा तो जो ग्लूकोज बनने के लिए ऊर्जा चाहिए होगी वह फिर कहां से दी जाएगी, इसीलिए यहां पर क्या होता है कि एटीपी का निर्माण होता है। तो लाइट रिएक्शन के मतलब समझ गए आप लोग, लाइट रिएक्शन कहां होती है, जो क्लोरोप्लास्ट है उसके थैलाकोइड मेम्ब्रेन में होती है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट के दो भाग होते हैं, एक तो थैलाकोइड यानी कि ग्रेना और दूसरा होता है स्ट्रोमा। ग्रेना की झिल्लियों में यह लाइट रिएक्शन होती है। लाइट रिएक्शन में क्या बनता है, लाइट रिएक्शन का उद्देश्य क्या होता है कि क्लोरोफिल सूर्य की ऊर्जा को एंटीना की तरह रिसीव करे और यह ऊर्जा वह जल के अणुओं को दे ताकि जल के अणु टूटे और इलेक्ट्रॉन मुक्त हो। तो जब इलेक्ट्रॉन ऊर्जा लेकर के मुक्त होते हैं तो वह ऊर्जा छोड़ते हैं, जब ऊर्जा छोड़ते हैं तो उससे क्या बनता है, एटीपी बनता है और NADPH2 बनता है।
अर्थात हमारा प्रोडक्ट क्या हो गया लाइट रिएक्शन का, एटीपी और एनएडीपीएच2। यह लाइट अभिक्रिया यानी कि जो हिल रिएक्शन है, यह प्रकाश अभिक्रिया है, बिना प्रकाश के संभव नहीं है, इसीलिए इसको क्या कहा गया है, लाइट रिएक्शन बोला गया है। चलिए अब देखिए डार्क रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, डार्क रिएक्शन को क्या बोला जाता है, अंधकार अभिक्रिया, अंधकार अभिक्रिया। इसका मतलब ये नहीं है कि ये अंधेरे में ही होती है, इसका मतलब ये है कि इसके लिए प्रकाश आवश्यक नहीं होता है। ये कहां होती है, ये होती है क्लोरोप्लास्ट के ग्रेनम में, अर्थात ये कैसी है, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है जो प्रकाश पर निर्भर नहीं करती है। इसमें होता क्या है, इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये जो C6CO2 है, 6CO2 में क्या लगता है आपके, ये एटीपी, और ये क्या लगेगा, ये NADPH2, ये इसका अपचयन करता है, ठीक है। अपचयन करता मतलब ये हाइड्रोजन जो है इससे लगा देगा और बस बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ग्लूकोज बन जाएगा। तो देखिए कैसे बनता है, ये C6H12O6, अर्थात अंधकार अभिक्रिया कहां होती है, अंधकार अभिक्रिया एंजाइम्स की सहायता से। कौन से एंजाइम बहुत महत्वपूर्ण है, इसको कहा जाता है रूबिस्को, RUBISCO। सारी अभिक्रिया जो अंधकार अभिक्रिया होती है स्टेप बाय स्टेप एक एंजाइम्स के द्वारा कंट्रोल की जाती है, और उसमें से सबसे महत्वपूर्ण एंजाइम कौन सा होता है, यह रूबिस्को होता है। अगर दूसरे शब्दों में कहें, अगर एक क्वेश्चन पूछा जाए कि पृथ्वी पर सबसे, क्योंकि सारे प्रोटीन जो है एंजाइम होते हैं, पृथ्वी पर सबसे एबंडेंट, पृथ्वी पर सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा होता है, तो क्या आप जवाब देंगे, रूबिस्को। यह प्रोटीन रूबिस्को होता है। रूबिस्को क्या होता है, एंजाइम होता है जो कि CO2 के अपचयन में काम आता है, जिससे कि ग्लूकोज का निर्माण होता है। यह अंधकार अभिक्रिया कहलाती है। तो आप समझ गए, प्रकाश और अंधकार अभिक्रिया में अंतर अगर लिखने को आ जाता है तो कैसे लिखेंगे आप, प्रकाश अभिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में होती है, अंधकार अभिक्रिया इसके लिए प्रकाश कोई आवश्यक नहीं है। दूसरी बात, प्रकाश अभिक्रिया में क्या होता है, जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है वह सूर्य की ऊर्जा को लेकर के जल के अणुओं को तोड़ देता है और ऑक्सीजन मुक्त कर देता है। यहां पर क्या होता है कि CO2 में ATP और जो अपचयी शक्ति है, अपचायक शक्ति है, उसको बोलते हैं NADPH2, वो लगकर के क्या बनाती है आपके, ग्लूकोज बना देती है। इसका रिजल्ट क्या होता है, यहां प्रकाश अभिक्रिया में ATP और NADPH2 बनते हैं, और यहां क्या है, ATP और NADPH2 लगकर के ग्लूकोज बना देते हैं। ये तीन मुख्य अंतर आप अगर याद कर लेंगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टास्क होगी। ये तो हो गया आपका प्रकाश संश्लेषण।
बहुत ही सरल शब्दों में आपको बहुत ही संक्षिप्त में बताया हुआ है। अब जो प्रकाश संश्लेषण होता है वह किसमें होता है? मैंने कहा हर एक पौधे में होता है। कोई ऐसे पौधे बता सकते हैं जो कि प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाते हैं? कोई ऐसे पौधे जो आप बताइए जो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाते हो? ऐसे पौधे हैं फंजाई। कौन से पौधे हैं? फंजाई। फंजाई कैसे होते हैं? ग्रीन नहीं होते हैं, एक्सेप्ट ग्रीन। ये किसी भी कलर के हो सकते हैं परंतु ग्रीन कभी नहीं होंगे। तो ये कैसे होते हैं फंजाई? ये इनमें क्या होता है? क्लोरोफिल नहीं होता है, लैक ऑफ क्लोरोफिल। अब जब क्लोरोफिल नहीं होता तो फिर ये अपना भोजन कैसे लेते हैं? या तो पैरासाइट के द्वारा, पैरासाइट के द्वारा, और या सेप्रोफाइट बनके। पैरासाइट के मतलब होता है परजीवी, यानी कि एक जिंदा जीव दूसरे जिंदा जीव से भोजन ले तो वह स्थिति क्या कहलाती है? पैरासाइट। इसमें जो भोजन लेता है वो क्या कहलाता है? पैरासाइट कहलाता है, और जो भोजन देता है वो कहलाता है होस्ट, और इसीलिए उसमें इतनी सारी बीमारियां हो जाती है। सेप्रोफाइट आप जानते हैं कि एक जिंदा फंजाई जब किसी अन्य मृत सड़े गले पदार्थ से भोजन लेता है तो उसको क्या कहते हैं? सेप्रोफाइट बोलते हैं। तो ये फंजाई कैसे हैं? प्लांट हैं, ठीक है, पर इनमें क्या होता है? क्लोरोफिल नहीं होता है, और इसीलिए यह अपना भोजन नहीं बना पाते हैं और भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। इस प्रकार से एक बात कही जाती है। यहां पे मैं दो चीजें आपको, दो प्रश्न बनते हैं, बहुत ही रीजनेबल प्रश्न है, उनके बारे में बात करना आवश्यक हो जाता है। स्थल यानी कि जो हमारे आसपास जो जमीन है, जमीन पर के पौधों पे यानी टेरेस्ट्रियल प्लांट्स पे प्रकाश संश्लेषण ज्यादा होता है या जलीय पौधों में एक्वेटिक प्लांट्स में प्रकाश संश्लेषण ज्यादा होता है? देखिए इसको, जो हमारे टेरेस्ट्रियल, जो टेरेस्ट्रियल एरिया है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड कितनी होती है? 0.03%, ठीक है। अब एक्वाटिक जो एरिया है तो जल में घुलनशील वाली ऑक्सीजन कितनी है? 0.3%, यानी कि यहां पे कितनी ज्यादा है? 10 गुना ज्यादा है जल में। इसलिए सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण कहां होता है? जलीय पौधे करते हैं। कौन पौधे करते हैं? हाईएस्ट जो फोटोसिंथेसिस है किसके द्वारा की जाती है? एक्वाटिक प्लांट्स के द्वारा। अब सबसे कम और सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है? तो सबसे कम प्रकाश संश्लेषण किसमें होगा आपके? ये हमारा होता है विभ्यो, विभ्यो ये स्पेक्ट्रम होता है हमारा लाइट का, ठीक है। तो वायलेट में कैसी होगी? लीस्ट होगी, और
रेड स्पेक्ट्रम के आसपास कितनी होगी, मोस्ट होगी। यानी कि जो प्रकाश संश्लेषण है अगर उसको केवल वायलेट या इंडिगो कलर की ही लाइट दी जाती है तो उसमें प्रकाश संश्लेषण कम होगा, और अगर रेड ऑरेंज के आसपास लाइट दी जाती है तो उसमें प्रकाश संश्लेषण क्या होगा, ज्यादा होगा। और कुछ चीजें बतानी आवश्यक है आपको, प्रकाश संश्लेषण जो है किन कारकों पर निर्भर करता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। पहला क्या है, टेम्परेचर। दूसरा क्या है, CO2 कंसंट्रेशन। तीसरा क्या है, लाइट इटसेल्फ। तो इसमें समझिए बेस्ट सुटेबल जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, 38 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्टिमम फोटोसिंथेसिस, मैक्सिमम जो फोटोसिंथेसिस होती है वो कितने पर होती है, 38 डिग्री सेंटीग्रेड पे होती है। आप नोट करिएगा इस चीज को, क्योंकि अगर इससे ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा तो एंजाइम क्या होने लगते हैं, एंजाइम जो है वो अक्रियाशील होने लगते हैं और इसलिए जो है फोटोसिंथेसिस स्लो हो जाती है। CO2 कंसंट्रेशन, CO2 कंसंट्रेशन क्या होता है कि पहले बढ़ने पे, जैसे मान लिया ये ग्राफ है, CO2 कंसंट्रेशन बढ़ने पे थोड़ा सा क्या होता है, फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ता है, परंतु एक ऐसी स्थिति आ जाती है जहां पर यह रेट बिल्कुल भी नहीं बढ़ता है। यह अगर हम कंसंट्रेशन लिख दें और यह रेट लिख दें तो आप समझ जाइए कि पहले शुरुआत में बढ़ाने से तो बढ़ता है लेकिन उसके बाद में क्या है, स्टेबल हो जाता है। आप चाहे जितना बढ़ाइए। और एक खास बात और मजे की है कि अगर आप ज्यादा ही CO2 का बढ़ा देंगे कंसंट्रेशन या फॉर्चुनेटली बढ़ जाए तो होगा क्या, स्टोमेटा बंद हो जाते हैं, लाइट लाइट अगर है तो फोटोसिंथेसिस अच्छी होगी, पर अगर लाइट के बाद डार्क, फिर लाइट, फिर डार्क, यानी जो इंटरमिटेंट, मैंने क्या बोला, इंटरमिटेंट, इंटरमिटेंट, इंटरमिटेंट के मतलब यह होता है कि जो प्रकाश है वो अपनी एक जैसी तीव्रता में नहीं रहता है, तो पहले प्रकाश फिर थोड़ा सा धुंधला हो गया, फिर प्रकाश फिर धुंधला हो गया, तो ऐसी स्थिति में मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होती है। कैसी होती है, मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होती है। और इस प्रकाश संश्लेषण में बहुत प्यारे क्वेश्चन बन रहे हैं। आप सभी लोग जो है क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है वो इनबॉक्स करें और सब्सक्राइब करें, आपको मिल जाएगी।